गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द बायजूस एग्जाम प्रेप। सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ओंकार। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइन दिस सेशन वेरी वेरी फास्ट। टुडे ऑन 27th ऑफ जनवरी वी आर हैविंग द सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर अवर फॉर्मूला रिविजन। सो कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से ज्वाइन कर लो सेशन को एंड लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू नाइसली। वेरी फास्ट ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो जल्दी से। कम ऑन, शेयर द सेशन अमंग्स योर फ्रेंड्स। ओके, फॉर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग आज करेंगे फॉर्मूलीज की रिवीजन। मैक्सिमम जो आपका टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली जो आस्क है, दैट इज द इन्वेंटरी कंट्रोल है आपका, राइट, सिक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, फोरकास्टिंग। ओके, मैक्सिमम को यहाँ से फॉर्मूले हम कंप्लीट करने की, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलो चलो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे चालू हो चुका है सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, कल का जो अपना मेगा मॉक टेस्ट था, ऑफकोर्स फॉर द गेट 2022, ओके, उसके बाद आज फिर से अपना जो फॉर्मूलीज रिवीजन जो है, अपना ईएससी 2022 प्रीलिम्स रिवीजन स्प्रिंट जो है, कंप्लीट गाइड फॉर दिस ईएससी पेपर एक्चुअली टू। ओके, पेपर वन के लिए ऑलरेडी अपना जो सीरीज चल रहा है नॉन टेक का, रात के 10 बजे कल वो सेशन लेके आऊंगा डियर स्टूडेंट्स फॉर द मटेरियल साइंस। ओके, फिलहाल ये जो है अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलीज करेंगे आज के सेशन में, मैक्सिमम फॉर्मूलीज कंप्लीट करेंगे विद सम गुड क्वेश्चंस। सो पगारे वेलकम, शुभम वेलकम। आई होप मैं बहुत ही अच्छी तरह से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ आपको। सागनिक चैटर्जी, फैंटास्टिक, इफ यू आर स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 96, डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी नाइस स्कोर डियर। सो कीप इट ऑन एंड कीप द सेम स्पेस, कीप द सेम मोमेंटम ऑफ यूर प्रिपरेशन। सो टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स आपको ऐसे ही देती रहनी है, राइट, एंड टाइम टू टाइम वी आर प्लानिंग अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मेगा मॉक टेस्ट ऑल्सो और द मैराथॉन्स ऑन दीज पर्टिकुलर इंग्लिश एंड हिंदी यूट्यूब चैनल्स। ओके, सो चलो भैया, सेशन को लाइक कर दिया, सेशन को शेयर कर दो जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम। सो दिस इज अबाउट मी, आई एम ओंकार, हैविंग मोर देन 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग गेट एंड ईएससी। अब तक देखो 11,000 से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एज वेल। सो बेटा प्लीज यहाँ पे देखना कि क्या आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर बायजूस एग्जाम प्रेप अपने गेट हिंदी या फिर इंग्लिश चैनल के ऊपर। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द गेट एंड ईएससी, हर एक चीज आपको कंटेंट वाइज, प्रैक्टिस वाइज, हर एक चीज आपके यहाँ पे अवेलेबल हो आपके लिए, ऑफकोर्स फॉर द गेट एंड ईएससी के लिए अवेलेबल यहाँ पे आपके लिए हमेशा होगी, बिल्कुल नया अंदाज में डियर स्टूडेंट्स। सो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, राइट। सो ये जो मैंने बोला था नॉन टेक का जो है, ये 26 जनवरी का ये पोस्टपोन करके डियर स्टूडेंट्स, ये कल होगा या 28 जनवरी को, क्योंकि कल अपनी मॉक टेस्ट थी तो बहुत सारे बच्चे थक गए थे, तो इसके लिए हमने ये जो 26 जनवरी का सेशन था वो पोस्टपोन किया है कल में। कल तो अपनी यस मेंटी वॉर रही मेरे और सूर्य सर के बीच में, बहुत ही बढ़िया मेंटी वॉर में एक्सपीरियंस रहा डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ओके, सो चलो भैया चालू करते आज का सेशन। गुड इवनिंग सीबीजे, नीरज, शुभम, परविंदर, नमस्कार नमस्कार, आई होप सब लोग आ गए हैं। तो भैया सबसे पहले चालू करेंगे अपना जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क जो टॉपिक होता है, जैसे कि गेट हो या फिर ईएससी हो, आपको पता है वो है इन्वेंटरी कंट्रोल। ओके, सो इन्वेंटरी कंट्रोल के फॉर्मूले से हम चालू करेंगे इन्वेंटरी ओके कंट्रोल। सो देखो भैया, इन्वेंटरी अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोलते हैं कि भैया पैसा बहुत सारा पैसा है लेकिन उस पैसे के ऊपर रेड कारपेट है, राइट, द रेड कारपेट ऑन द मनी, दैट इज नथिंग बट यूर इन्वेंटरी। पैसा दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ओके, बट वो वहां वहां पे क्या हो रहा है भैया, वैसे के वैसा है, उसका पैसा नहीं हो रहा, राइट, दैट इज अ रेड कार्पेट ऑन द मनी विच इज द इन्वेंट्री, एंड दैट इज अ रीजन वाई। जैसे इन्वेंट्री भैया एक्चुअली अच्छी नहीं है, राइट, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर एंड स्टोर,
राइट, बट समटाइम्स इन्वेंट्री इज ऑल्सो वेरी यूजफुल थिंग दियर स्टूडेंट्स. ओके, जब भी कभी स्टॉक आउट्स होते हैं, सेफ्टी स्टॉक आपका खत्म हो जाता है, तो डेफिनेटली यही इन्वेंट्री आपको क्या करती है, तब जाके ऊपर उठाती है. राइट, सो डेफिनेटली दैट इज द रीजन वाई इफ यू हैव द प्रॉपर कंट्रोल ऑन द इन्वेंट्री, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज हेल्प यू इन योर डे टू डे एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्रीज. राइट, सो चलो बताओ, सबसे पहला मॉडल इन्वेंट्री का अगर बात करेंगे तो कौन सा है? अंकित गुड इवनिंग, चंदन गुड इवनिंग, चलो भैया आ जाओ जल्दी, सेशन को लाइक करना है. वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ, फैला दो भैया आज इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के जल्दी से जल्दी फॉर्मूलीज करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ. डेफिनेटली कुछ प्रोसीजर्स इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. ओके, तो क्वेश्चन भी मैं कुछ करूंगा. ओके, विल्सन और हैरिस विल्सन मॉडल, जिसे ईओक्यू मॉडल कहते हैं, बहुत बढ़िया, इससे चालू करते हैं. ईओक्यू मॉडल, हाँ ये डिटर्मिनिस्टिक होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक भी लूंगा मैं डेफिनेटली. ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू मॉडल जहां पे, जिसे आप बोलते हैं विल्सन्स, विल्सन्स मॉडल, मतलब क्या है, आपको जब जरूरत पड़ी तो आपने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया क्यों, और उसको पूरा क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे पूरा कंज्यूम कर रहे हो. और फिर से अगर खत्म होने को आता है तो आपको पता है कुछ आपका रीऑर्डर पॉइंट होगा. ओके, रीऑर्डर लेवल होगा या पॉइंट होगा, तब जाके उसको ऑर्डर करोगे, फिर से उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या करते रहोगे, कंज्यूम करते रहोगे. राइट, दैट इज फ्रॉम इन्वेंट्री आपकी मिनिमम जीरो से लेके मैक्सिमम इन्वेंट्री कितने हैं, आपकी क्यू इतनी क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री है. सो यहाँ पे अगर एवरेज इन्वेंट्री की बात करो तो आई मिनिमम प्लस आई मैक्सिमम बाय टू, विच इज गोइंग टू बी क्यू बाय टू, बिकॉज मिनिमम कितनी है यहाँ पे, जीरो है. ओके राइट, सो टाइम भैया फिर से बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 1 सवा घंटे में हम जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे खत्म करने की. राइट, सो प्लीज ये याद रखना. और ये है, ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उसको क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, जो भी आपकी ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है. राइट, मंगा रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ऑर्डरिंग एट सर्टन लेवल, विच इज नथिंग बट यूर री ऑर्डर पॉइंट. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एनुअल अगर डिमांड मेरी है कितनी है, सपोज ए यूनिट की एनुअल डिमांड है और ऑर्डर क्वांटिटी जो है आपकी कितनी है, क्यू है. ऑर्डर क्वांटिटी अगर मैं मान के चलूँ ये क्यू यूनिट की है, और हमेशा याद रखना ऑर्डर क्वांटिटी शुड बी लेस देन योर एनुअल डिमांड. राइट, सो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, एनुअल डिमांड भाग्य योर तुम्हारी कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है ए बाई क्यू. ओके, और ये ऑर्डर करने के लिए अगर आपके पास कॉस्ट है, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी, कॉस्ट फॉर द पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर अगर मुझे लगेगी एस रुपीज, यस अगर लगेगी, तो बताओ यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हुई, टोटल ऑर्डर कॉस्ट कितनी हुई भैया, बताओ यहाँ पे ए बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर जो तुम्हारी एस है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता हूँ. और उसके बाद बताओ मैक्सिमम कितनी आपके पास यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है, क्यू मैक्स ये है क्यू. ओके, मिनिमम कितनी आपके पास है भैया, आपने तो जीरो से लेके पूरा जो ऑर्डर है वो वहां तक पूरा क्या कर दिया है, मंगा के फिर से उसको यूज करना चालू कर दिया है, यस और नो. सो यहाँ पे मिनिमम कितना है भैया आपके पास, जीरो है. तो एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, क्यू मिनिमम प्लस क्यू मैक्सिमम बाय टू, दैट इज क्यू बाय टू, यस और नो. ये आपके पास क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है. राइट, या फिर इसकी एवरेज इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी होगी, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी आपके पास. सो जो कॉस्ट प्राइस है आपकी क्यू बाय टू मल्टीप्लाई बाय सी, सी क्या है भैया, कॉस्ट प्राइस है. अगर मैं उसको टोटल इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री अब कैरी करने के लिए अगर कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट मुझे पता है, दैट इज से आई, तो बताओ यहाँ पे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज क्यू बाय टू इंटू सी आई. वेरी गुड, सी आई. सो यहाँ पे बेसिकली सी आई क्या है भैया, सी आपकी कॉस्ट ऑफ आइटम है, कॉस्ट ऑफ आइटम है सी, और आई आपकी है इन्वेंटरी. ओके, और आपको पता है कि सी आई का जो प्रोडक्ट होता है इसे बोलते हैं इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर ईयर बोलो और पर यूनिट पर ईयर बोलो, पर यूनिट पर मंथ बोलो, पर यूनिट पर डे बोलो, पर यूनिट पर वीक बोलो, कोई भी दिक्कत वाली यहां पे बात नहीं है. अगर मैं यहां पे इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर लिखना चाहता हूं,
तो क्या लिख सकता हूं, इट इज सी आई। अगर मुझे पर यूनिट पर मंथ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, दिस सी आई डिवाइडेड बाय कितने मंथ है, साल में 12 मंथ है, राइट। अगर मैं उसको पर डे लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, सी आई डिवाइडेड बाय, मान के चलते कि 7 पे कितने दिन वर्किंग है, 360 दिन। अगर मैं वीक में लिखना चाहता हूं तो सी आई डिवाइडेड बाय 52 वीक्स। जैसा भी आपको कन्वर्ट करना है वैसा कर सकते हो। तो बताओ यहां पे टोटल इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई, टोटल इन्वेंटरी जो कैरी करने की या फिर होल्डिंग कॉस्ट कितने है बताओ भैया, इट इज क्यू बाई टू इंटू सी आई। ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बताओ यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, आपने ऑर्डरिंग के लिए कुछ कॉस्ट आपकी लगी प्लस आपको इन्वेंटरी कैरी करने के लिए कुछ कॉस्ट लगी, यस और नो। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी आपकी भैया, ए बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय एस थी, प्लस इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी आई पर यूनिट पर ईयर, क्यू बाय टू इंटू सी आई। अब बताओ यहां पे मुझे क्या करने का, इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज डी टी बाय डी क्यू। अरे हाँ है ना, जल्दी से बताओ, डी टी बाय दिस टोटल एक्चुअली कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्वांटिटी क्यू। तो बताओ क्या होगा, ए बाय क्यू इंटू एस, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, माइनस ए बाय क्यू स्क्वायर इंटू एस, प्लस क्यू बाय टू इंटू सी आई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, क्यू का डिफरेंशिएशन 1, डी टी बाय डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू 1 आएगा, दैट इज सी आई डिवाइडेड बाय 2, दैट इज क्यू बाय टू का आएगा सिंपली 1, ओके, दैट इज सी आई इंटू टू एंड इक्वेट टू 0। तो क्या होगा बताओ, ए बाय क्यू स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू सी आई बाय 2, therefore q square is equal to what, 2 as divided by ci and q is equal to root over 2 as divided by ci, this q which is nothing but our economic order quantity, जिसे हम बोलते हैं भैया EOQ। और भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो क्या आती है भैया, एट EOQ, EOQ रूट ओवर 2 as ci, 2 as ci। आपके पास एनुअल डिमांड है ए यूनिट्स की, आपके पास कॉस्ट प्राइस है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की सी, ओके, रुपीज में। तो भैया बताओ टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, सो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसकी बताओ, एक तो आएगी आपकी जो एनुअल डिमांड है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस प्लस ऑर्डर कॉस्ट ए बाय क्यू इंटू एस प्लस इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विच इज हियर फॉर द विल्सन मॉडल, क्यू बाई टू इंटू सी आई। अरे भैया हाँ या ना, यस और नो। सो ये आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट अदर देन द ईओक्यू, यस और नो, एट एनी एक्चुअली द क्यू वैल्यू एंड द कॉस्ट यू कैन कैलकुलेट द टोटल एनुअल कॉस्ट, ओके, यस सर नो। आपको पता है भैया अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस दिस कॉस्ट वर्सेस क्यू अगर प्लॉट करूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना आपका क्यू बढ़ेगा उतना क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है घटेगा, लेकिन सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगा लेकिन जो होल्डिंग कॉस्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। दिस इज योअर होल्डिंग कॉस्ट एंड दिस इज योअर टोटल टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ओके, एंड दिस इज योअर ऑप्टिमम क्यू स्टार विच इज योअर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यस और नो। अरे हाँ है ना, ओके। सो ये सबसे सिंपल अपना विल्सन मॉडल था, ओके। अब दूसरा मॉडल बताओ कौन सा है भैया, जहां पे आप क्या करते हो, बिल्डअप आप क्या करते हो, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन करते हो, राइट, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग यू आर साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसिंग समथिंग, ओके, विच इज नथिंग बट द बिल्ड अप मॉडल, यस सर नो। बिल्ड अप मॉडल मीन्स वॉट, यू आर एक्चुअली सी यू आर प्रोड्यूसिंग एंड साइमल्टेनियसली यू आर कंज्यूमिंग, ओके, दिस इज यूर क्यू वैल्यू एंड द डिफरेंस नथिंग बट यूर पी माइनस आर डियर स्टूडेंट्स विच इज नथिंग बट द बिल्ड इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बिल्ड, ओके, दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री बिल्डअप एंड दिस इज योअर टाइम पीरियड टीपी विच इज नथिंग बट द प्रोडक्शन टाइम और द मैन्युफैक्चरिंग टाइम, विच इज योअर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम,
ओके सो दिस इज साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल. ओके दिस इज द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल वेयर यू कैन राइट दिस पी इज नथिंग बट यूर प्रोडक्शन रेट. पी क्या भैया आपका प्रोडक्शन रेट है जल्दी से बताओ, और आर क्या है आपका कंजम्पशन रेट है. ये डिस्काउंट वगैरह ये तो आपका ये एप्टीट्यूड जैसी चीजें है. ओके वो आप कर सकते हो राइट. दिस इज साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मॉडल और दिस इज ऑल्सो नोन एज बिल्टअप मॉडल, इन्वेंट्री बिल्टअप मॉडल. सो दिस पी माइनस आर इज वॉट यू आर बिल्डिंग द बिल्डिंग ऑफ द इन्वेंट्री हियर. दिस पी माइनस आर सो दिस इज नथिंग बट द इन्वेंट्री बिल्डअप. अंकित ओके सो पी माइनस आर इज वॉट इन्वेंट्री बिल्डअप. ओके सो बताओ यहां पे. सो बेसिकली दिस मॉडल इज सिमिलर टू द विल्सन मॉडल. ओके दैट इज द ईओक्यू मॉडल. हियर ओनली थिंग इज दैट द इन्वेंट्री बिल्डअप वी आर हैविंग हियर दैट इज रिप्लेसमेंट जो होती है यहां पे इज ग्रेजुअल. ओके और जो ईओक्यू में होती थी वो जो रिप्लेसमेंट थी वो थी इंस्टेंटेनियस. ये बेसिक फर्क है विल्सन मॉडल में और अपने बिल्डअप मॉडल में राइट. ओके सो यहां पे बताओ क्यू क्या होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. रूट ओवर टू ए एस डिवाइडेड बाई सी आई इन टू दिस पी डिवाइडेड बाय पी माइनस आर राइट. एंड यू नो क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम द डायग्राम दिस इज टी पी इन टू पी और यू कैन राइट हियर द प्रोडक्शन साइकिल टाइम टी पी इज इक्वल टू वॉट दिस क्यू डिवाइडेड बाय पी. क्यू डिवाइडेड बाय और यहां पे बताओ मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी है. यहां पे मैक्सिमम इन्वेंट्री आई मैक्स टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम इन्वेंट्री लाइक इन द ईओक्यू मॉडल मैक्सिमम इन्वेंट्री व्हाट द क्यू यस और नो. हियर इट विल बी व्हाट कितना बिल्डअप किया है पी माइनस आर फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्शन टाइम टी पी दैट इज पी माइनस आर मल्टीप्लाई बाय टी पी विच इज नथिंग बट यूर मैक्सिमम इन्वेंट्री एंड टी पी इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम दिस इज नथिंग बट द क्यू बाय पी Q by P into bracket P minus R which is your I max maximum inventory. Okay, so बताओ यहाँ पे total variable cost at EOQ, total variable cost at EOQ कितनी होती है जल्दी से बताओ. It is nothing but root over 2 AS CI into bracket P minus R divided by P. Right? Purchase cost यहाँ पे बताओ. Purchase cost एनुअल डिमांड दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय द यूनिट प्राइस सी ए सी. ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट यू नो दैट इज ए बाय क्यू इन टू एस दिस इज योर ऑर्डर कॉस्ट. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी है भैया. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विच इज नथिंग बट द आई मैक्स यू नो आई मैक्स बाय टू इन टू सी आई. सो दीज आर द एक्चुअली ऑल द वेरिएबल सी कॉस्ट लाइक order cost, inventory carrying cost, it is here. So the total annual cost, you can calculate the summation of all these three, okay, other than the EOQ in this simultaneous production and consumption model. Okay, yes or no? Is it so? Very good, very good. चलो भैया आगे बढ़ते हैं. तीसरा मॉडल कौन सा है भैया. इट इज इन्वेंट्री मॉडल विथ शॉर्टेजेस. इन्वेंट्री मॉडल with the consideration of the shortages, with the shortages considered which is also known as the stock outs or back order or back order right. So this is now here the shortages are allowed basically the shortages are considered. Okay yes that is inventory EOQ with the back order means what the shortages are basically here considered. So if you look at this graph, so see here, so these are the shortages dear students and this is your order quantity Q. Okay right. And here you are having this particular consumption in the time period T. Say it is T1, it is T2. Okay, and if I try to show you here, where is the maximum inventory? So this is the maximum inventory, IMAX. And how to get the IMAX?
whatever the economic order quantity minus what are the shortages. See here, Q minus S. S is what here? Here, this is your shortages. Okay, that is your IMAX. That is your IMAX. Right? So, in this particular model, you know that Q star, what is the formula for Q star? Which is equal to root over 2AS divided by CI into bracket this CI carrying cost, inventory carrying cost plus shortage cost divided by shortage cost. Okay, right, CS is shortage cost and CI is your inventory carrying cost per unit per year. And then what are the shortages? S star is equal to root over 2AS divided by CS into CS divided by CS plus CI, where you know that CS is the shortage cost, right? And ICC, it is nothing but your CI, inventory carrying cost per unit per year. This is your CI, carrying cost or the holding cost, right? So here tell me, what is the purchase cost? Purchase cost, as usual, annual demand multiplied by your cost price. Okay, that is unit price, right? Then dear students, ordering cost, you know, number of order multiplied by cost per order, right? Q A by Q into S. And what is the third cost, which is the shortage cost? Shortage cost, dear students, it is S star by 2 into CS. Okay, so these are here total variable cost, dear students, in the shortages. Here one cost is added, this is the shortage cost is added here, which is CS S star by 2 into CS. And at EOQ, dear students, please remember, at EOQ, okay, so here inventory carrying cost is equal to ordering cost is equal to shortage cost. So here if I write total variable cost at the EOQ, so it will be simply, you can write 3 times inventory carrying cost or 3 times shortage cost or 3 times order cost. Very simple. So these 3 costs at EOQ are basically same, right? And cost at EOQ, if you want to find out cost at EOQ, it is going to be root over 2ASCI into CS divided by CI plus CS, right? And other than EOQ, if you want to find out the total annual cost, okay, which is going to be AC plus these 3 costs. Either you can write ICC or you can write OC or you can write shortage cost. But these 3 are, you know, basically the same. This AC plus you can write 3 times ICC or you can write 3 times OC or you can write 3 times ESC. Okay, so these are the total annual cost. ओके भैया, फॉर्मूले रिवाइज हो रहे कि नहीं? सो देखो, ज्यादा मेरा ध्यान उधर नहीं है क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखने में यहाँ पे व्यस्त हूँ. आई होप इट इज क्लियर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाय पूछते क्वेश्चन, जिसके एक्चुअली जिसका मैं टाइप अलग से बता सकता हूँ. यू नो दैट टाइप बेसिकली इट इज नथिंग बट इन्वेंट्री विद द प्राइस ब्रेक. Inventory with the price break. Okay, so for example, यहाँ पे मेरे पास order quantity है, example लेके 0 से लेके 100, और जिसका price है rupees, suppose 150. अगर 0 से लेके 100 तक order किए तो 150 रुपए में आपको पड़ेगा, और 101 एंड उसके अबो अगर आप order करोगे तो आपको 100 रुपए में ये चीज particular order मिलेगी. सो अगर यहाँ पे बोलता हूँ ऑर्डर कॉस्ट दी है आपको रुपीज 60 पर ऑर्डर. ओके, एंड आपको जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज योर सीआई, आपको 10% दी है होल्डिंग कॉस्ट दी है. होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जिसे होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, 10% ऑफ द परचेस प्राइस. ओके, परचेस प्राइस, राइट. सो आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द ईओक्यू इफ द एनुअल रिक्वायरमेंट इज, आपको पूछा है ईओक्यू क्या होगा इफ एनुअल रिक्वायरमेंट जो दिए है 1000 यूनिट की. ओके, तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है भैया, आपको शायद पता नहीं भी हो तो मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड प्रोसीजर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को.
दैट इज इन्वेंट्री विद द प्राइस ब्रेक को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज क्या करनी है, राइट डाउन प्रोसीजर यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज। नंबर वन आपको करना है, आपको सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर द लीस्ट प्राइस, कंसीडर द लीस्ट प्राइस। क्या करना है आपको, सबसे पहले कंसीडर लीस्ट प्राइस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ईओक्यू फाइंड आउट करना है। ओके, आपको क्या तुरंत क्या फाइंड आउट करना है, ईओक्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ ईओक्यू जो उन्होंने अपने ऑर्डर क्वांटिटी में दिया है उसमें फॉल हो गया, तो भैया आपका वहां पे काम खत्म हो गया। मतलब क्या, आपका जो ईओक्यू है इट इज गोइंग टू फॉल इन द रेंज विच इज मेंशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस, राइट, एंड इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑर्डर, और वो सबसे क्या रहेगी, अपनी बेस्ट ऑर्डर रहेगी। ओके, और बस तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइनल कॉस्ट एट ईओक्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको क्या करना है, रिजल्ट्स बता के खत्म करने बात। अगर अगर ये जो आपने लीस्ट प्राइस वाला या फिर लीस्ट प्राइस वाली चीज लेके ओके ईओक्यू कैलकुलेट किया, अगर वो उस गिवन रेंज में, ऑर्डर क्वांटिटी के रेंज में फॉल नहीं हुआ, तो भैया फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट लिस्ट प्राइस के इस तरफ जाना पड़ेगा। आपको फिर से क्या करने का, ईओक्यू देखना पड़ेगा कि गिवन ऑर्डर में, गिवन रेंज में वो फॉल हो रहा है कि नहीं। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अल्टीमेटली टोटल एनुअल कॉस्ट निकालनी है एट ईओक्यू, ओके, जहां पे भी फॉल होगा, और लेफ्ट ओवर जो आपके ऑर्डर क्वांटिटीज है या फिर जो आपके प्राइस बैक है उसके लिए फिर से जो टोटल एनुअल कॉस्ट अदर देन द ईओक्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, और फिर से देखना है कि भैया सभी कॉस्ट में जो कम कॉस्ट होगी वही हम क्या करेंगे, ऑर्डर देके पूरा हम छुट्टा छेड़ा ये बात को खत्म कर देंगे। ओके, राइट। तो भैया सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। ओके, इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा समझेंगे कि हम कैसा कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोसीजर को कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऑर्डर क्वांटिटी 100 से 100 के बीच में आपको प्राइस पड़ेगी ₹150। 101 के अबाव आपने ऑर्डर दिया तो आपको पड़ेगा ये जो ऑर्डर पड़ेगा ₹100 का। सो मिनिमम कौन सा, यहाँ पे ₹100 है, तो भैया क्या करेंगे हम सबसे पहले, सबसे लीस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट कैलकुलेट द ईओक्यू एट लीस्ट कॉस्ट ऑफ ₹100। सो चलो निकाल दो यहाँ पे, बताओ जल्दी से। सो लेटेस्ट विद द फर्स्ट कंडीशन आपको क्या करना है, लीस्ट प्राइस ढूंढनी है। यहाँ पे लीस्ट प्राइस प्राइस है 100, तो आप ईओ की निकालो, इसके लिए रूट ओवर 2AS/CI। ओके, 2 × आपके पास भैया एनुअल डिमांड कितनी है, 1000 यूनिट की, 1000। ओके, ऑर्डर कितनी है आपको, ₹60 भाग्या कितनी का प्राइस में अभी लेके चल रहा हूँ, सबसे लीस्ट दैट इज ₹100। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी, 10% है होल्डिंग कॉस्ट, दैट इज 0.1। बताओ यहाँ पे क्यू कितना आ रहा है, 109.54 यूनिट। हाँ देखो, अब ये ईओ क्यू जो है, ये जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो जो प्राइस ब्रेक दे रहा है उसमें फॉल हो रहा है कि नहीं, देखो देखो भैया, अगर मैं ₹100 से अगर लेता हूं तो यस 101 एंड अबो इतनी ऑर्डर हो, यस, और ये मेरी 109.54 मतलब अराउंड 110 यूनिट है। सो डेफिनेटली जो हमने लिस्ट प्राइस सिलेक्ट किए हैं उसमें ही अपना ईओक्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मतलब भैया खत्म बात, हमको यहीं पे स्टॉप करना है। अब तुरंत क्या करना है हमको, हमको तुरंत अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालनी है एट ईओक्यू। इस पर्टिकुलर ईओक्यू को हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, और बात अपनी यहाँ पे क्या करनी है, खत्म करनी है। सो नाउ यहाँ पे तुरंत क्या करना है आपको, यस, यही बेस्ट है, यही आपको क्या करना, नाउ कैलकुलेट दिस टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू, आपको पता है विच इज नथिंग बट AC प्लस रूट ओवर 2AS/CI। ओके, एनुअल आपकी डिमांड कितनी, 1000, कितने रुपए से लिया, ₹100 से, प्लस रूट ओवर 2 × एनुअल डिमांड 1000, ऑर्डर कॉस्ट 60, आपकी कॉस्ट प्राइस अभी 100 से किया, मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट 10% से 0.1। सो बताओ टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओक्यू कितनी आई आपकी, चेक करने की जरूरत ही नहीं, अभी आ गया आपका, ये 100 ही आपका हो गया। सांगिक, आई विल टेक वन अदर अनदर एग्जांपल सो दैट आपको और क्लियर हो जाए।
ये देखो ये सिंपल है, मतलब 100 का जो अपना जो है 100 रुपीज, ये अपना फाइनल हो गया है। अब इसके लिए कॉस्ट कितनी लगेगी? इतनी लगेगी। ओके, ये तो अपना डायरेक्ट फॉल हो गया। सपोज अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल ले लूं, ओके पेन किधर गया, वन सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके ओके फाइन। सो यहां पे देखो, सपोज वेंडर ए बी सी आपके पास, इनके रेट्स एंड मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वांटिटी, एक्सेप्टेबल क्वांटिटी पर ऑर्डर यहां पे दे दिए। ओके, ए वेंडर ए बोल रहा है उसका रेट है 55 रुपए, वेंडर बी का रेट है 60 रुपए, वेंडर सी का रेट है 65 रुपीज। ये बोल रहा है मैं 55 रुपए से दूंगा अगर आपने मिनिमम क्वांटिटी 1200 ले ली। वेंडर बी बोल रहा है मैं आपको 60 रुपए से दूंगा अगर आपने क्वांटिटी 400 ले ली। और सी बोल रहा है आप कोई भी क्वांटिटी लो, ओके मैं आपको 65 रुपए से ये ऑर्डर दूंगा। ओके, एनुअल आपका जो कंजम्पशन रेट है वो है 1200 यूनिट का। ओके, ऑर्डरिंग जो कॉस्ट है आपकी 35 रुपए पर ऑर्डर है, और कैरिंग कॉस्ट जो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 30 रुपया है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो बताओ यहाँ पे कौन सा वेंडर सिलेक्ट करोगे? सो देखो सिंपल एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको, तीन वेंडर आपके पास हैं, तीनों ने अपने अपने प्राइस कोट किए हैं। ओके, और उन्होंने उस प्राइस के लिए अपनी क्वांटिटी फिक्स बताई है। ओके, सो ये फिर से कौन सा क्वेश्चन हुआ अपना? इन्वेंट्री प्राइस ब्रेक का। तो बताओ यहाँ पे चलो क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट कॉस्ट सिलेक्ट करके बताओ कौन सी लिस्ट कॉस्ट है भैया? 55 रुपए। 55 रुपए में ईओ की निकालो, फॉल हो रहा है कि नहीं? देखो 1200 तक, 1200 या फिर उसके ऊपर बोला है उसने बेसिकली। बताओ हो रहा है क्या? ईओ क्यू कितना आ रहा है? 12 55 रुपए के लिए। लिस्ट प्राइस कौन सी है? 55 रुपए। सो ईओ क्यू निकालो एट 55 रुपीज कॉस्ट, दैट इज रूट ओवर 2AS डिवाइडेड बाय CI, रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड 1200, ऑर्डर कॉस्ट 35 रुपए, कॉस्ट प्राइस 55 से चला चलाया मैंने, एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 30%। कितना आ रहा है अराउंड? अगर मैं करूँ तो 71 पॉइंट समथिंग। ओके, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी लेस देन 1200। सो नहीं फॉलो हो रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट प्राइस में जाओ, कौन सी है नेक्स्ट लिस्ट प्राइस? 60 रुपए भी करोगे ईओ क्यू 60 रुपए के हिसाब से भी निकालोगे तो भी भैया ये समवेयर 68.31 जैसा आ रहा है, विच इज अगेन नॉट फॉलिंग। ये भी फॉल नहीं हो रहा, ये भी फॉल नहीं हो रहा। चलो चित्र, अब डेफिनेटली तीसरा तो होगा ही। अगर मैं ईओ क्यू निकालो 65 रुपीज से अब मैं जाऊंगा, ओके तो भैया क्योंकि वो बोल रहा है एनी क्वांटिटी, मतलब एनी क्वांटिटी तो होके रहेगी, 2 × 1200 × 35 से 65 रुपीज से कैरिंग कॉस्ट आपकी 30 पैसा, 30% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये आपका अराउंड 65.63 आ रहा है, और एनी क्वांटिटी मतलब डेफिनेटली ये हमको क्या करना पड़ेगा, चूज करना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा अपने पास ऑप्शन नहीं है, राइट? अब क्या करना है आपको, यहाँ पे टोटल एनुअल कॉस्ट निकालो एट ईओ क्यू, यहाँ पे कितनी आई? AC प्लस रूट ओवर 2AS CI इस पर्टिकुलर कॉस्ट के साथ 65 रुपए के साथ। सो 1200 × 65 प्लस रूट ओवर 2 × 1200 × 35 × 65 × 0.30। बताओ कितनी आई ये कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओ क्यू, एट ईओ क्यू की जो फॉल हो रहा है भैया 79,279 रुपीज। लेकिन यहाँ पे रुकना है क्या? नहीं, अब हमको बाकी के भी जो आपके जो रेट्स थे उसके हिसाब से आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालनी है एट नाउ। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ये तो निकाल दिया लेकिन अभी भी दो चीजें बाकी है। ओके, मुझे टोटल एनुअल कॉस्ट निकालनी है जब मेरी ऑर्डर क्वांटिटी अगर मैं 400 के हिसाब से जाऊं तो कितनी होगी? दैट इज AC प्लस A/Q × S प्लस Q/2 × CI से। बताओ ए कितना है? ऑर्डर 1200 की डिमांड है। ओके, कॉस्ट प्राइस 60 रुपए से, क्योंकि
ईओ की अगर 400 गिनना है तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60 रुपये है, प्लस 1200 भाग्या ईओ को कितना है आपका, 400 है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर प्राइस है आपकी, ऑर्डर कॉस्ट है 35 रुपये, प्लस क्यू कितना है, 400 लिया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी है आपका 60 रुपये इंटू सी आई 0.3। ओके, तो ये कॉस्ट देखो कितनी हो रही है, अगर मैं 400 मेरी ईओ क्यू रखता हूँ और मुझे 60 रुपये से ये अगर ये जो यूनिट मिलता है, ये पार्ट मिलता है, तो भैया टोटल एनुअल कॉस्ट एट 400 एज ए ईओ क्यू कितनी होगी, टोटल एनुअल कॉस्ट एट 400 एज ए ईओ क्यू बताओ, 75,705 रुपये। और दूसरा भी एक है भैया, यस, और दूसरा है कि टोटल एनुअल कॉस्ट जब मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1200 रहेगी तो भी मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, तो निकालो, ए सी प्लस ए बाय क्यू इंटू एस प्लस क्यू बाय टू इंटू सी आई, बताओ कितनी आई एट 1200 के लिए, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे से जाएगा, 55 रुपये से मिलेगा अपने को जब हम इस क्वांटिटी में जाएंगे, सो 55 रुपीज से प्लस 1200 भाग्या 1200 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस क्यू है 1200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 55 रुपये से होल्डिंग कॉस्ट है 0.3, दैट इज 30 पैसा ऑन द यूनिट प्राइस, तो बताओ कितने आई, ये आई 75,935, यस, दैट इज ए टोटल एनुअल कॉस्ट जब मैं ईओ क्यू 1200 लगता हूं तो इतनी आ रही, ईओ क्यू 400 लगता हूं कितने रुपए से, 60 रुपए से, तब कॉस्ट आती है 75,705, और ऑलरेडी मेरी जिस रेंज में फॉल हो रहा है उसकी टोटल एनुअल कॉस्ट एट ईओ क्यू जो आ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईओ क्यू आ रही है कितनी, कितनी आ रही है जो हमने निकाली थी जिसमें फॉल हो रहा था, ये आ रही थी 79,279। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, कौन मिनिमम है, ये ईओ क्यू जो फॉल हुआ था वो मिनिमम है, 400 वाली ऑर्डर सही है या 1200 वाली ऑर्डर सही है भैया, सो मिनिमम अगर देखो दे तो आपके पास यही कॉस्ट कम है 75,705 रुपीज, यस, मतलब इन तीनों में से भैया अगर आप अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो ये आपकी बेस्ट एक्चुअली ऑर्डर होगी, राइट, यस, 400 कौन से हिसाब से जाओगे आप मंगाओगे वेंडर बी से, ओके, कि मिनिमम आप क्वांटिटी ऑर्डर करोगे 400 और आप 60 रुपये से खरीदोगे, सो बी बी वेंडर जो है आपका आपने सिलेक्ट किया, भैया समझ में आया कैसे करना है, इसे बोलते हैं ये इन्वेंट्री का प्राइस ब्रेक मॉडल, आई होप भैया ये क्लियर है सबको, अंकित परविंदर चक्रवर्ती कौन कौन है वहां पे जरा बताओ जल्दी से, ये अगर खत्म हो गया ये समझ में आया तो भैया अपना चीजें ऑलमोस्ट इन्वेंट्री में कुछ हद तक कंप्लीट हो गई, यस सर नो, कोई है कि नहीं, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, हु के नहीं भैया जल्दी से बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, परविंदर कहाँ है लोग, सेशन को लाइक कर दो शेयर को, देखो मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा आपको चैट बॉक्स में, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड पे आओ, जब भी आपकी डिमांड वेरिएबल होती है तब आप कौन सा यूज करते हो मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो भैया आपको बताया यसएस, यहाँ पे क्या है वेरिएबल डिमांड पैटर्न है, यहाँ पे डिमांड पैटर्न कैसा होता है प्रोबेबिलिस्टिक में, वेरिएबल डिमांड पैटर्न, वी आर हैविंग वेरिएबल डिमांड पैटर्न, यसएस मतलब सेफ्टी स्टॉक, जल्दी से मैं आपको जस्ट रिवाइज करता हूँ, ज्यादा आपके क्वेश्चन नहीं आते बेसिकली, ओके, एसएफ सिग्मा आपका सेफ्टी सेफ्टी फैक्टर ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस, सेफ सेफ्टी फैक्टर ऑन सिग्मा बेसिस, सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, और यहाँ पे भैया रीऑर्डर लेवल या फिर रीऑर्डर पॉइंट होता है एवरेज लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक, एवरेज लीड टाइम डिमांड, ये है ALTD, एवरेज लीड टाइम डिमांड, ओके, राइट, या फिर इसको एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन रेट भी करो तो आपका ये एवरेज लीड टाइम डिमांड आ जाएगा, ओके,
अब यहाँ पे आपको थोड़ी सर्विस लेवल के बारे में जानकारी होनी चाहिए बेस्ड अपॉन द सेफ्टी फैक्टर ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिस सर्विस लेवल परसेंटेज में, और इसके लिए एस एफ सिग्मा की वैल्यूज अगर सर्विस लेवल 50% है 84.13, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता ही होने चाहिए आपको, ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है 97.5, 98 एंड 95 के लिए एस एफ सिग्मा की वैल्यू, ये 0, 84.13% के लिए 1, 90% के लिए 1.28, 97.17 के लिए 2 होता है, 72 के लिए 2 होता है, 97.5 के लिए सॉरी इट इज 1.96, 98% के लिए 2.05 एंड 95 के लिए 1.645। ओके, ये आपको थोड़ी वैल्यूज पता होनी चाहिए सर्विस लेवल एंड उसके करस्पॉन्डिंग एस एफ सिग्मा की वैल्यूज। ओके, और जब भी यहाँ पे मैं जनरली हमारा पहले जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल था, यहाँ पे लीड टाइम वाज लेस देन द ऑर्डर साइकिल। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लीड टाइम मेरा ऑर्डर साइकिल से भी बड़ा है, सो यहाँ पे जो ऑर्डर दैट इज सिग्मा फॉर दिस ऑर्डर साइकिल जो हम निकालते हैं वो क्या आएगा रे, रूट ओवर सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू एन ऑर्डर सिग्मा एन स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि ये सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू सब सिग्मा है तो क्या होगा बताओ, सिग्मा फॉर द ऑर्डर साइकिल क्या होगा, इट विल बी रूट ओवर एन टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा ओसी क्या है आपका, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग द लीड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग लीड टाइम, एन आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर साइकिल्स है, नंबर ऑफ ऑर्डर साइकिल्स। ओके, सिग्मा सी आपका है वेरिएंस ऑफ ऑर्डर साइकिल। ओके, सर्विस लेवल क्या आती है भैया, सर्विस लेवल ओके आपके पास दो चीजें, एक कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग रहता है ओके जिसे आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग दैट इज सी यू कुस कुस, एंड दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग। ओके, दैट इज सी यू एस एंड कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग दिस इज सी ओ एस, राइट। सो यहां पे कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली इट का मीनिंग होता है दैट यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज नथिंग बट द प्रॉफिट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉफिट, एंड कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग इट इज नथिंग बट वॉट डियर स्टूडेंट्स, सेल प्राइस माइनस रिबेट। ओके, लाइक द पेरिशेबल आइटम्स लाइक यू आर हैविंग फ्लावर्स, लाइक यू आर हैविंग न्यूज पेपर्स, लाइक यू आर हैविंग सम बेकरी प्रोडक्ट्स, ओके इफ दे आर नॉट गेटिंग परचेज विद इन द गिवन ड्यूरेशन और टाइम दैट रिबेट विल बी गेटिंग जनरेटेड। ओके, सो कॉस्ट प्लस कुछ डियर स्टूडेंट्स, वेन यू टॉक अबाउट दी एस एल मीन्स वॉट सर्विस लेवल, एस एल मीन्स वॉट सर्विस लेवल दैट इज हाउ मेनी टाइम्स यू एक्चुअली यू आर हैविंग अवेलेबल ऑर्डर इज और द पार्ट इज अवेलेबल दैट इज द सर्विस लेवल, एंड स्टॉक आउट रिस्क मीन्स वॉट दैट यू वॉन्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग विच इज आउट ऑफ ऑर्डर, ओके आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक दैट यू नीड इट बट इट इज नॉट अवेलेबल दैट इज नथिंग बट द स्टॉक आउट रिस्क, स्टॉक आउट रिस्क। ओके, स्टॉक आउट रिस्क, सो बेसिकली वेन आई टॉक अबाउट द सर्विस लेवल, सर्विस लेवल इज इक्वल टू कुस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस कुस, एंड द स्टॉक आउट रिस्क इज इक्वल टू दिस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस प्लस कुस। ओके, एंड यू नो द टोटल दोनों की एडिशन कितनी होगी, सर्विस लेवल प्लस स्टॉक आउट रिस्क इट इज गोइंग टू बी वन, इट इज गोइंग टू बी वन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, राइट एक एयरलाइन है ओके, एंड एयरलाइन जिन्होंने डिटरमाइन किया हैज डिटरमाइन ओके उनके पास 10 पेयर ब्रेक सिलेंडर के हैं, और जब इनके पास 10 सिलेंडर होते हैं स्पेयर में ब्रेक सिलेंडर होते हैं तब उनकी जो स्टॉकआउट रिस्क होती है 30%।
अगर वो उसकी 10 की जगह पे 14 स्पेयर रखते हैं ब्रेक सिलेंडर का, तो उनकी जो स्टॉकआउट रिस्क है वो कम होके कितने पे आती है, 15% पे आती है। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ओके, फॉर आपके एग्जाम अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अगर वही स्पेयर पार्ट्स वो 14 की जगह 16 रखते हैं तो स्टॉकआउट रिस्क और घटके 10% पे आती है। हाँ, समझो क्वेश्चन को, समझो। उसके बाद क्या बोला है, अगर उनको भैया ऑर्डर चाहिए, उनको अगर ब्रेक सिलेंडर चाहिए आज, अगर उन्होंने ऑर्डर लिया तो उनको 3 महीने बाद मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर लीड टाइम कितने महीने का है बोलूँ मैं, यहाँ पे 3 महीने रिसीव करने के लिए लगते हैं अगर आज ऑर्डर दी तो। लीड टाइम कितना है, 3 महीने का है। और भैया इनका महीने का एवरेज कंजम्पशन जो रेट दिया है इन ब्रेक सिलेंडर को यूज करने का, ओके, एवरेज जो महीने का रेट है, सो महीने में 4 सिलेंडर ये एयरलाइन क्या करती है, यूज करती है, इस्तेमाल करती है, ओके। अब इन्होंने पूछा क्या है कि भैया एट व्हाट स्टॉक लेवल, क्वेश्चन समझो, एट व्हाट स्टॉक लेवल शुड दे रीऑर्डर अज्यूमिंग दैट दे विश टू मेंटेन द 85% सर्विस लेवल। उनको कितनी परसेंट सर्विस लेवल मेंटेन करनी है, 85%, ओके। तो बताओ कि रीऑर्डर लेवल उसकी क्या रहेगी, या फिर रीऑर्डर पॉइंट क्या रहेगा। क्वेश्चन मेरी देखो भाई, क्वेश्चन समझ में आया। ऋषिकेश, सांगिक, परविंदर, अंकित, ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड, ओके। कितनी परसेंट सर्विस लेवल इनको चाहिए, 85%। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा बताओ। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, स्पेयर लिखता हूं, स्टॉकआउट रिस्क आपको पता है, स्टॉकआउट पता है तो 1 माइनस कर दो तो सर्विस लेवल आ जाएगी। सो जब 10 स्पेयर उनको रखते हैं तब स्टॉकआउट रिस्क होती है 30% की, मतलब सर्विस कितने अवेलेबल है, 70% के लिए। अगर वो रखते 14 तो वो घटके फिर 15% पे स्टॉकआउट रिस्क आती है, मतलब सर्विस लेवल आपकी बड़ी, यहाँ पे कितनी हुई, 85%। और जब 16 रखते हैं तब कितनी है भैया, 10% स्टॉकआउट, मतलब 90% सर्विस लेवल यहाँ पे आपको मिलती है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। रीऑर्डर लेवल क्या होती है, तुम्हारी एवरेज लीड टाइम डिमांड प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज लीड टाइम डिमांड कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया, एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। एवरेज लीड टाइम इनका कितना है, 3 महीने का है, और कंजम्पशन रेट कितना करते हैं महीने में, 4 करते हैं, प्लस 85% सर्विस लेवल के लिए उनको कितना स्टॉक रखना पड़ेगा, 85% सर्विस लेवल के लिए उनको कितना स्पेयर रखना पड़ेगा, 14, प्लस सेफ्टी स्टॉक 14। तो बताओ रीऑर्डर लेवल कितनी आई, यही तो क्वेश्चन था, बताओ रीऑर्डर लेवल कितनी आई, 26 यूनिट। अरे हाँ ना, 26 रीऑर्डर पॉइंट कितना आया, 26, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। समझ में आई मेरी बात, ओके। अरे हाँ या ना, बहुत ही सिंपल, मतलब प्रोबेबिलिस्टिक में जनरली क्वेश्चन नहीं आते, जनरली क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आईआईटी खड़गपुर ने 2006 में इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिस्टिक के ऊपर, ओके। तो क्वेश्चन क्या था जरा मैं आपको बता दूं, स्टॉक लिस्ट विशेष टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ पेरिशेबल, कौन से क्वेश्चन, वो वाले, मतलब कौन से, कॉस कूस के, वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं भैया। रिवीजन हो रही कि नहीं, ज्यादा ज्यादा इन्वेंट्री भी हो ना, अब नहीं तो बहुत, मोर देन इनफ है, इन्वेंट्री भी अपना अच्छे से हो जाए ना, मोर देन इनफ है, क्योंकि बहुत चांसेस अपने हैं इन्वेंट्री के ऊपर। हाँ, वही वही वही, मैं वही वैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा और इतना ही करके स्टॉप करेंगे, वही कराऊंगा। हाँ, यही 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 यही, तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी के, ओके। सो डिमांड देते हैं, डिमांड उसके बाद प्रोबेबिलिटी देते हैं, उसके हिसाब से यही ढूंढना होता है, सर्विस लेवल ही ढूंढनी होती है, ओके। सो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, समझो क्वेश्चन, थोड़ा मैं रीड करता हूं। और स्टॉक लिस्ट विशेष टू ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ पेरिशेबल आइटम्स ही नीड्स टू स्टॉक इन एनी मंथ इन हिज स्टोर। डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन उस पेरिशेबल आइटम्स का दिया है, मैं यहां पे लिखता हूं डिमांड,
और प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है, मजा आएगा पता है आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना। जनरली लोग इसमें जाते नहीं है ज्यादा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में, डिटर्मिनिस्टिक ही खत्म कर देते। ओके सो डिमांड दी है 2 3 4 5 और प्रोबेबिलिटी है 0.10, 0.35, 0.35 एंड 0.20। ओके अब यहां पे स्टॉक लिस्ट पेज ₹70 फॉर ईच आइटम। ओके मतलब ये जो स्टॉक लिस्ट है इट पेज ₹70 फॉर ईच आइटम, मतलब ये आपके हो गए भैया कॉस्ट प्राइस, ₹70 उसको देने पड़ते हैं। और ही सेल्स इट फॉर ₹90, ये क्या है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ₹70, सेल करता है ₹90 में। ओके अगर कोई भी चीज अनसोल्ड रहती है दैट इज रिबेट तो लगेगा, अगर रिबेट मतलब पेनल्टी है उसके लिए कि अगर कोई भी चीज अनसोल्ड रहती है तो उसको पेनल्टी डेफिनेटली लगती है, नहीं लगती यहां पे दी नहीं, मतलब रिबेट जो है नो एनी पेनल्टी फॉर एनी अनसोल्ड आइटम, नो एनी पेनल्टी दैट इज रिबेट कोई भी नहीं है। ओके रिबेट जीरो है यहां पे ऐसे दिया है क्वेश्चन में, सो देर इज नो एनी पेनल्टी फॉर अनफुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड। ओके टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑप्टिमल स्टॉक लेवल पूछी है। ओके ऑप्टिमल स्टॉक लेवल पूछी कि भैया वो 5 यूनिट स्टोर करे, 6 यूनिट करे, 4 यूनिट, 5 4 3 2, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। ओके तो सबसे पहली बात आपको पता है क्या करना है, कॉस्ट और कुश यहां पे आपको लगेंगे, कुश कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है भैया ₹90, उसने खरीदा कितने में था ₹70 में, प्रॉफिट कितना मिला ₹20, पेनल्टी या फिर कोई रेबिट है कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग अगर अनसोल्ड रहा तो नहीं है, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस रेबिट और पेनल्टी आपको पता है। सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹70, पेनल्टी एक्चुअली देखो क्वेश्चन में अनफुलफिल डिमांड के लिए कोई भी चीज नहीं है, अनफुलफिल डिमांड के लिए कोई भी पेनल्टी नहीं, लेकिन अगर कोई अनसोल्ड रहता है चीज दैट इज रेबिट दिया है यहां पे ₹50 का, सी ही कैन सेल द आइटम एट ₹50, दैट इज इफ एनी अनसोल्ड इज देयर, स्टॉक अनसोल्ड रहा तो उसको पेनल्टी दी है ₹50 की, दी है भैया पेनल्टी दी है याद रखना ₹50 दी है। So, यहाँ पे 70 माइनस 50 इट इज गोइंग टू बी 20, ये आपकी होगी कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक। ओके ये रही आपकी कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉक, तो आपको क्या निकालना है इसमें से आपको पता है, प्रोबेबिलिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट हम सर्विस लेवल निकालते हैं, सर्विस लेवल इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस कुस। ओके दैट इज कुस कितना था कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग आपने अभी निकाली, 70 माइनस 50 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग, मतलब नथिंग बट आपका क्या था यही था प्रॉफिट, ये सीपी माइनस पेनल्टी, कॉस्ट ऑफ अंडर स्टॉकिंग प्रॉफिट निकाला था आपने, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 20, कॉस्ट ऑफ ओवर स्टॉकिंग आपने निकाली थी अभी 20, 20 आई थी ना, 20 प्लस 20 मतलब ये 20 डिवाइडेड बाय 40 ये आ गई सर्विस लेवल 0.5, 0.5। अब क्या करना है देखो, गिवन आपके पास दिए, देखो आपके पास सर्विस लेवल आई 0.5 मतलब 50% सर्विस लेवल आई, अब यहां पे आपको क्वेश्चन में डिमांड दिया है एंड प्रोबेबिलिटी उसकी दी है। ओके अब डिमांड कितनी है आपके पास, 2 3 4 और 5, प्रोबेबिलिटी इसकी दी है 2 के लिए 0.10, 3 के लिए 0.35, 4 के लिए है 0.35 और 5 के लिए है 0.20। ओके अब यहां पे आ जाओ सर्विस लेवल निकालो, इसकी सर्विस लेवल मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे लिखनी है, सो यहां पे 0.1 ओके प्लस 0.35, 0.45 प्लस 0.75 इट इज 0. हाउ मच 80 प्लस दिस 0.20 प्लस 80 इट इज 1.0। आपकी सर्विस लेवल कहां पे आ रही है, आपकी सर्विस लेवल 0.5 समवेयर हियर, आपकी सर्विस लेवल कितनी आपने जो क्वेश्चन में निकाली है यहां पे देखो 0.5, तो आपकी सर्विस लेवल यहां पे लाइव हो रही 0.5,
तो याद रखना, जब भी आपका ये जो प्रीवियस वाला क्रॉस हो रहा है सर्विस लेवल, दैट इज 0.45 के बाद 0.5 आएगा, मतलब आपको जो डिमांड है, आपको नेक्स्ट डिमांड आपको क्या करनी है, लेनी होती है. प्लीज रिमेम्बर, आपको नेक्स्ट वैल्यू लेनी है डिमांड की. ओके, मतलब ये 0.4 से लेके टुवर्ड्स 0.8 जा रहा है. सो यस, यू हैव टू टेक दिस डिमांड एज ए फोर. सो यहां पे आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन दी है 5 यूनिट, 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट. तो आपका आंसर क्या रहेगा भैया? 4 यूनिट. 4 यूनिट कितना रहेगा? 4 यूनिट रहेगा. ओके, सो देर इज नो पेनल्टी फॉर द अनफुलफिल्ड ऑफ द डिमांड. टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ऑप्टिमल स्टॉक लेवल, कितना ऑप्टिमल स्टॉक लेवल लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 4 यूनिट का. फोर, फोर इज द आंसर. समझ में आए ये कैसे सॉल्व करने क्वेश्चंस? समझ में आए? ओके, कभी कभी डायरेक्ट आपको क्या देते, देखो मैं आपको बता दूं, डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम आपको देते हैं और उसके साथ प्रोबेबिलिटीज देते हैं. डिमांड, ओके, एंड प्रोबेबिलिटीज आपको देते. सपोज डिमांड दी है 50, 70, 75, 80, 85, और आपको प्रोबेबिलिटीज देते हैं 0.15, 0.10, 0.14, 0.21, 0.20, 0.30. और आपको पूछते क्या है कभी कभी डायरेक्ट? एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम पूछते. एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आपको पूछते. ओके, तो क्या करना है आपको? सिंपल, आपको डिमांड लिखनी है भैया, डिमांड, उसके बाद प्रोबेबिलिटी. डिमांड आपका है एफ आई, ओके, प्रोबेबिलिटी है एक्स आई, और आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई, सिंपली इसका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है. डिमांड कितनी दी थी? 50, 70, 75, 80, 85. ओके, प्रोबेबिलिटीज के लिए दी थी 0.15, 0.14, 0.21, 0.20 और 0.30. ओके, सो निकालो इसका एफ आई एक्स आई प्रोडक्ट. एफ आई एन टू एक्स आई निकालो, ये आएगा 7.5, इट विल बी 9.8, इट विल बी 15.75, 16, ये आएगा 25.5. तो यही आएगा समेशन. अगर आप एफ आई इंटू एक्स आई लोगे, सो इट इज नथिंग बट यूअर एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर द ड्यूरिंग द लीड टाइम. कितना आया बताओ? समेशन, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यहाँ पे बताओ कितनी आएगी? चेक करो, 74.55. यस, दैट इज द योर आंसर. एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम पूछते. आईआईटी बॉम्बे का एक क्वेश्चन बताता हूँ. आईआईटी बॉम्बे ने एक क्वेश्चन पूछा था. ओके, आईआईटी बॉम्बे ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई लीड टाइम डिमांड दिए थे, प्रोबेबिलिटी दी थी. ओके, लीड टाइम डिमांड दिया 80, 100, 120, 140. प्रोबेबिलिटी दी है 0.20, 0.25, 0.30 एंड 0.25. 74.55 सही है, बिल्कुल सही. और पूछा था कि, बोला था कि रीऑर्डर लेवल इज 1.25 टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द लीड टाइम डिमांड. और पूछा था कि सर्विस लेवल कितनी आएगी. रीऑर्डर लेवल क्या दिया है? 1.25 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ योर लीड टाइम डिमांड. ओके, सो यहां पे चलो, लीड टाइम डिमांड, लीड टाइम डिमांड आपके दी है 80, 100, 120 एंड 140. प्रोबेबिलिटीज दी है उसके लिए भैया क्या दी थी? 0.20, 0.25, 0.30, 0.25. ओके, अब इसका क्या करना है आपको? ये एफ आई दिया है, ये एक्स आई दिया है. सो निकालो यहां पे, एफ आई इंटू एक्स आई निकालो. यस, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई निकालो. दैट इज 8 इंटू 0.2, इट इज 16. 100 इंटू 0.25, इट इज 25. इट इज 30. 0.30 इंटू 120, इट इज 36. इट इज 35. सो निकालो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालो, कितना आया? इट इज गोइंग टू बी 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 35, 112. लेकिन यहां पे पूछा है एवरेज लीड टाइम डिमांड. एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड क्या आएगी भैया? याद रखना, इट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. ओके, और समेशन ऑफ एफ आई निकालोगे तो ये क्या रहेगी भैया? इट इज वन ओनली. ओके,
दैट इज पॉइंट, सी दिस इज 0.20 प्लस, ये इसका क्यूम्युलेटिव निकालोगे तो अल्टीमेटली यहां पे 1 ही आएगा, 1.0, सो 112। ओके, सो रीऑर्डर लेवल क्या दी थी उन्होंने, रीऑर्डर लेवल दी थी इट इज 1.25 टाइम्स योर एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड, लीड टाइम डिमांड, एवरेज लीड टाइम डिमांड। सो 1.25 और एवरेज आपका डिमांड आया था कितना, 112। सो कुल मिला के रीऑर्डर पॉइंट आपका रहेगा 140। ओके राइट, और 140 के लिए भैया अगर आप सर्विस लेवल देखोगे आपकी कितनी है, सो सी इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज सर्विस लेवल आपको अगर लिखनी है तो यहां पे लिखता हूं सर्विस लेवल 0.20 प्लस 0.25 इट इज 0.45, 0.45 प्लस इट इज 0.30 इट इज 0.75, एंड 0.75 प्लस 0.25 इज 1.0, सो आएगा आपका ये 100% सर्विस लेवल। ये देखो 140, 140 जो आपका रीऑर्डर लेवल है वो कहाँ, किस इसकी सर्विस लेवल कितनी है, इट इज 1, दैट इज 100%। सो आंसर आएगा आपका 100%, 100%। ऑप्शन क्या क्या दिए थे, ऑप्शन दिए थे 25%, 50%, 75% एंड 100%। सो इसका आएगा आंसर डी, दिल्ली 100%। ओके राइट, सो भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिमांड आपको दी, प्रोबेबिलिटी उसका क्यूम्युलेटिव, क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब आपका सर्विस लेवल आता है, याद रखना प्रोबेबिलिटी होती है, डिमांड आपको देते हैं, प्रोबेबिलिटी देते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्यूम्युलेटिव आपकी क्या निकल के आती है, सर्विस लेवल निकल के आती है, याद रखना। और अगर स्टॉकआउट रिस्क निकालनी है तो 1 माइनस सर्विस लेवल कर दो तो स्टॉकआउट रिस्क निकल के आएगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स। सो ऑलमोस्ट देखो इन्वेंट्री के क्वेश्चन मैंने करवा दिए फॉर्मूले क्वेश्चन के साथ। अब बाकी की चीजें सीक्वेंसिंग बोलो, शेड्यूलिंग बोलो, तो ये तो आपको पता है कि भाई मैक्स पैन कैसे निकालते हैं। ओके, सीक्वेंसिंग में जाए, सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट जाता हूँ। चलो जॉब ए बी सी डी, मशीन 1 है यहाँ पे, मशीन 2 है यहाँ पे, ए में यहाँ पे 2, 10, 3, 8, 7, 5, 9, 1 और ई भी दिया है 6, 4। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द जॉब सीक्वेंस बाय यूजिंग द जॉनसन एल्गोरिदम, और उसके बाद क्या पूछते हैं कि आपको मैक्स पैन निकालना है। सो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों मशीन में सबसे मिनिमम टाइम किसके ऊपर है, प्रोसेसिंग टाइम देखना है आपको। ओके, सो देखो ये अगर मिनिमम मशीन 2 पे है तो वो सीक्वेंस होगा सबसे लास्ट में, अगर वो सबसे कम वाली जो वैल्यू है मशीन पहले मशीन पे है तो सबसे पहले क्या होगा, सीक्वेंस में आएगा वो पर्टिकुलर जॉब। ओके, तो यहाँ पे देखो एक सबसे कम वैल्यू, एक जो सेकेंड मशीन पे है वो कौन सी है, आपका डी जो है जॉब है, तो सबसे लास्ट में लगेगा, डी लगा सबसे लास्ट में। ओके, ये गया यहाँ पे, उसके बाद रिमेनिंग में सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है। ओके, तो ये पहले मशीन पे तो सबसे पहले आएगा सीक्वेंस में ए, ये गया, बचा कौन सा 3, 8, 7, 5, 6, 4 में 3 सबसे मिनिमम, तो लगाओ ये बी आगे। ओके, उसके बाद सबसे मिनिमम 4 है जो कि ई पे है, लगाओ पीछे, और यहाँ पे अपने आप आ जाएगा सी। ए बी सी, ए बी सी ई डी, कभी कभी खाली सीक्वेंस एक एक मार्क को पूछते भैया, याद रखना। सो इसका सीक्वेंस क्या आया, ए बी सी ई डी। ओके, अब इसका मैक्स पैन निकालना है, मैक्स पैन निकालो इसका। सो जॉब यहां पे लिखता हूं सीक्वेंस से ए बी सी ई और लास्ट में डी, मशीन 1 पे इन होगा टाइम इन, ओके टाइम आउट, मशीन 2 पे इन होगा आउट, राइट। सो यहां पे ए का कितना है भैया, 2, 10। ओके, सो 0 पे इन हुआ, उसके बाद लगा कितना 2 मिनट आउट होने के लिए, उसके बाद मशीन 2 पे ये 2 गया, मशीन 2 पे कितना है 10 मिनट, सो ये 10 प्लस 2 दिस इज गोइंग टू बी 12। ओके,
अब ये मैक्स पैन आप सिंपली करते जाओ, यहाँ पे डो पे इन होगा बी, उसका टाइम कितना है बी का, 3, सो 2 और 3 5, 5 और 12 में से कौन बड़ा है, सो मिनिमम 12 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद 12 प्लस B का जो आउट है कितने का है, 8 का, सो यहाँ पे 20। उसके बाद सी कितने पे इन है, 5, सी का जो इन टाइम है मशीन 1 पे 7 और 5 12, 12 और 20 में से कौन बड़ा, ये रहा 20, राइट, 20 20, और सी का जो मशीन 2 का टाइम है कितना है, 5, सो 20 और 5 25। उसके बाद यहाँ पे ई 12 पे इन हुआ, ई का जो मशीन 1 पे टाइम है 6, 12 और 6 18, 18 और 25 में से 25 बड़ा, सो 25, ई का आउट टाइम कितना है, 4 25 4 29। यहाँ पे डी 18 पे इन हुआ, 18 पे उसका मशीन 1 के लिए टाइम कितना है, 9 मिनट, 18 और 9 27, 27 और 29 में से 29 बड़ा, और डी का जो आउट है वो 1 मिनट, सो 30। सो ये देखो 30 यूनिट बोलो, टाइम बोलो, मिनट बोलो, जो भी है, ये इसका क्या है, मैक्स स्पैन है, मिनिमम इलैप्स टाइम कितना आया इस पर्टिकुलर जॉब ए बी सी डी ई के लिए भैया, 30 मिनट्स। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसीजर वाइज, क्योंकि प्रोसीजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में फॉर्मूलेस के बाद दूसरा नेक्स्ट लेवल है भैया, प्रोसीजर। मैक्स स्पैन टाइम, यस, मिनिमम इलैप्स टाइम भी से बोल सकते हो, या फिर सिंपली मैक्स स्पैन टाइम, यस इट इज 30। ओके, सो आई होप दिस इज ओके, यस। ये तो परविंदर में आगे जाके उसने आइडियल टाइम फॉर मशीन ए और मशीन बी भी निकाल दिया, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें फोरकास्टिंग में जाओ तो भैया, फोरकास्टिंग में देखने जैसी चीजें है एरर। ओके, जो एरर ई आई लिखो तो डी आई माइनस एफ आई, सो डी आई क्या है, डिमांड फॉर पीरियड आई, एफ है फोरकास्ट फॉर पीरियड आई। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर हम लिखते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन आप निकाल सकते हो, विच इज गोइंग टू बी समेशन आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ से डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय n। ओके, n दिस इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ जो भी टाइम पीरियड दी है, राइट ओके। उसके बाद मीन स्क्वायर एरर भी निकाल सकते हो, मीन स्क्वायर एरर इट इज समेशन आई फ्रॉम 1 टू n, इट इज डी आई माइनस एफ आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट। आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन परसेंट एरर निकाल सकते हो, मीन एब्सोल्यूट परसेंट एरर विच इज नथिंग बट 1 अपॉन n समेशन आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाई डी आई इंटू 100। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज एरर, ओके आप निकाल सकते हो। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में आपको पता है द फोरकास्ट फॉर द टीथ पीरियड इज इक्वल टू फोरकास्ट फॉर द टी माइनस आई पीरियड प्लस अल्फा इंटू ब्रैकेट डिमांड फॉर टी माइनस आई पीरियड प्लस एफ ऑफ टी माइनस आई, ओके टी माइनस वन दैट इज प्रीवियस ईयर, ओके वेयर अल्फा इज द स्मूथिंग कॉन्स्टेंट विच इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यूर एन इज इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ मूविंग एवरेज पीरियड कंसिडर्ड। ओके, कभी कभी ट्रैकिंग सिग्नल भी पूछते हैं, ट्रैकिंग सिग्नल कैसे निकाल देते हो भैया, इट इज मॉड ऑफ दिस क्यूम्युलेटिव डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट डेविएशन विच इज नथिंग बट समेशन आई फ्रॉम 1 टू n डी आई माइनस एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन आई फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ डी आई माइनस एफ आई बाय n। ओके, सो आई होप दिस इज सम ऑफ दी वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूलीज इन द फोरकास्टिंग वी रिक्वायर्ड समटाइम्स, राइट। देन यू नो शेड्यूलिंग सिक्वेंसिंग इज डन, शेड्यूलिंग यू नो प्रोसेस टाइम कंप्लीशन टाइम, वी आर हैविंग SPT रूल, यू आर हैविंग EDD रूल, यू आर हैविंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर रूल, फर्स्ट कम लास्ट सर रूल, ओके लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, सो वी आर हैविंग बेसिक सर्टन रूल्स टू एक्चुअली शेड्यूल दिस पर्टिकुलर पार्ट्स और दी कंपोनेंट्स, राइट। इफ आई हैव द प्रोसेस टाइम इज इक्वल टू TI, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू WI, कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू CI, तो बताओ कंप्लीशन टाइम क्या होगा, दिस प्रोसेसिंग टाइम प्लस वेटिंग टाइम, एंड ड्यू डेट अगर मेरे पास है DI, तो आपको पता है सी आई माइनस डी आई अगर मैं लिखता हूँ दैट इज नथिंग बट द लेटनेस, ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव हुआ मतलब क्या, दैट इज अ लेटनेस, दैट इज अ टार्डी जॉब, ओके दैट इज अ लेजी जॉब। जीरो मतलब
अर्न ऑन टाइम ऑन शेड्यूल एंड नेगेटिव मतलब यू नो इट इज अर्ली जॉब अर्लीनेस. ओके आई होप यू नो दिस शेड्यूलिंग में भैया. और कोई दिक्कत वाली बात? एसपीटी की बात करें तो मिनिमाइजेस द मीन फ्लो टाइम, इट मिनिमाइजेस द एवरेज इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड इट इज डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ जॉब्स दैट आर गोइंग टू डिलीवर लेट. ये एसपीटी के एडवांटेज है, बहुत बार पूछते हैं. और अर्ली ड्यू डेट में क्या होता है, विच एवर जॉब हैविंग द लेस अर्लियर ड्यू डेट इट इज गोइंग टू शेड्यूल फर्स्ट. एंड ये जो है मीन टार्डीनेस को क्या करता है, ईडीडी रूल कम करता है. ओके अरे हाँ है ना, यस और नो. सो याद रखना, ये कभी कभी डायरेक्ट नहीं पूछते कि एसपीटी से निकालो या फिर ईडीडी से, ये उसको एडवांटेज के फॉर्म में पूछेंगे, भैया ऐसा रूल लगाओ ओके कि जिसमें इट विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल एक्चुअली मिनिमाइजेस द मीन फ्लो टाइम, एसपीटी रूल. ओके आई होप ये तो आपको सब पता है. प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से आप लिखो, अर्ली ड्यू डेट के हिसाब से लिखो, सी आई माइनस डी आई चेक करो, जितने भी नेगेटिव आएंगे वो अपने अर्ली जॉब होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब, तो आपका निकल के आएगा मीन फ्लो टाइम समेशन ऑफ सी आई बाई एन. ओके या फिर कोई टार्डी एवरेज टार्डीनेस पूछा तो जितने भी पॉजिटिव जॉब है उसकी समेशन करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जॉब, आपका एवरेज टार्डीनेस आएगा. अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात? इन्वेंट्री सिक्वेंसिंग शेड्यूलिंग फोरकास्टिंग. ओके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करें, सो उसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, ऑफ कोर्स ये प्रोसीजर है, एमआरपी प्रोसीजर है. ओके कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है. ओके और ऑफ कोर्स जो बाकी चीज़ें जैसे कि असाइनमेंट की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, एलपीपी की बात करूँ, भैया ये सब क्या है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स. कोई भी आपको मतलब फॉर्मूले की रटने की जरूरत नहीं, वो प्रोसीजर के साथ जाना है आपको, वहां पे आंसर मिल जाएंगे. सो भैया आई होप डियर स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना यूजफुल हो सका हमने कर लिया. सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके बहुत सारे लोगों के साथ ये सेशन शेयर करो. एंड आई होप मेरे तरफ से डन है, कल मटेरियल साइंस लूंगा भैया नॉन टेक के लिए, ईएससी नॉन टेक के लिए. ओके सो प्रैक्टिस सेशन टाइप करेंगे ईएससी के लिए मटेरियल साइंस कल. ओके मैं शेयर करूंगा आपको टाइम एंड ऑल, ये तो ऑलरेडी है ही, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, करना रिवाइज करना. और आई होप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्कोरिंग है भैया, आउट ऑफ मार्क लेने हैं, ईएससी में आए या गेट में आए, हमको उसके क्या चाहिए, आउट ऑफ मार्क चाहिए. ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो दिस इज ओंकार साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय हिंद.